हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू सी जी स्मार्ट स्टडी। आज के इस वीडियो में हम क्लास सिक्स के इंग्लिश सब्जेक्ट को पढ़ेंगे। आज इस वीडियो में हमने लेसन टेन को लिया है, जगदू द गार्डनर। इसकी शॉर्ट स्टोरी हम आपको समझा देते हैं, फिर इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। ये जो स्टोरी है वो जगदू की है, जो एक गार्डनर है, जो एक गार्डन में गार्डनर का काम करता था। वो एक दिन सडनली एक रात को वहाँ पे अपना काम करने के लिए रुका हुआ रहता है, तो देखता है कि एक जो हाथी है बहुत बड़ा सा, वो आकाश से स्काई से नीचे आ रहा है। उसे देख के वो थोड़ा डर जाता है और छिपके पेड़ के पीछे छिपके उसे देखने लगता है। तो वो देखता है कि वो जो गार्डनर है सॉरी वो जो हाथी है वो पूरे जो गार्डन है वहाँ पे घूम रहा है। फिर वो जब वो जाता रहता है तो जो जगतू होता है वो उसकी पूंछ पकड़ के उसके साथ चले जाता है। तो जगतू उसके साथ स्वर्ग हेवन में पहुँच जाता है। अब हेवन में पहुँचने के बाद उसे पता चलता है कि ये जो हाथी है ये कोई नॉर्मल हाथी नहीं है, ये तो ऐरावत हाथी है। फिर उसके बाद जो जगतू होता है वो सारा दिन वहीं हेवन में रहता है, और वहाँ से वो जो पान के पत्ते होते हैं और पान वाली जो सुपारी होती है जो नॉर्मल साइज से काफ़ी बड़ी होती है, वो हेवन से वापस आते समय लेके आता है। और वापस जब दूसरे दिन जो अरावत आती है, वो जब दूसरे दिन रात दूसरी रात को जब आता है गार्डन में फिर से घूमने के लिए कुछ खाने पीने के लिए, तब फिर जगतू उसकी पूँछ को पकड़ के उसके साथ आ जाता है और अपनी वाइफ को ये सारी स्टोरी बताता है। तो उसकी वाइफ है जो है वो भी उसके साथ जाने की जिद करती है कि मुझे भी हेवन देखना है, तो मैं भी तुम्हारे साथ आज रात में जाऊंगी। तो वो बहुत मना करता है पर उसकी वाइफ के को हाँ बोल देता है। उसके साथ जो है सारे गांव वालों को भी बात पता चल जाती है, तो वो भी उसके साथ हेवन जाने के लिए जिद करने लगते हैं। तो जैसे ही रात होती है सारे पेड़ के पीछे छिपके वेट करते रहते हैं, और एक के पीछे एक पकड़ के उस जो अरावत हाथी होता है उसकी पूंछ को जगतू पकड़ता है, और उसके साथ वे सब भी हेवन जाने के लिए एक के पीछे एक पकड़ के एक दूसरे को खड़े हो जाते हैं। बट जैसे ही लोग उस जगतू से कुछ क्वेश्चंस करते हैं कि वहाँ तुमने क्या देखा, कैसा देखा, जगतू जैसे ही अपने हाथ खोल के बताने की कोशिश करता है कि उसने वहाँ पे कितनी बड़ी क्या चीज़ें देखी। उसका हाथ का जो होता है वो हाथी के पूंछ से छूट जाता है और सारे के सारे लोग गिरते हुए ज़मीन में आ गिरते हैं। तो ये इसकी शॉर्ट स्टोरी है। अब चलिए इसके क्वेश्चन आंसर करते हैं। वर्ड मीनिंग क्वेश्चन नंबर वन, व्हाट डिड जगतू सी इन द गार्डन वन नाइट। तो इसका आंसर हम आपको बता रहे हैं। देखिए क्वेश्चन हमका आंसर हमें यहीं से बनाना है, क्वेश्चन से ही हमें सेंटेंस लेना है और आंसर बनाना है। तो यहाँ पे हमने देखा वन नाइट, तो यहीं से हम लेना है वन नाइट। फिर जगतू सी का सेकंड फॉर्म हो जाएगा क्योंकि हमारा क्वेश्चन पास्ट टेंस में है। वन नाइट जगतू सॉ अ लार्ज एलिफेंट डिसेंडिंग फ्रॉम द स्काई। क्वेश्चन नंबर टू, व्हाई डिड जगतू हाइड बिहाइंड द ट्री। आंसर, जगतू हाइड हिमसेल्फ बिहाइंड अ ट्री, बिहाइंड अ बिग ट्री इन अ ग्रेट फियर। क्वेश्चन नंबर थ्री, व्हाट वॉज द नेम ऑफ द एलिफेंट। आंसर, द नेम ऑफ द एलिफेंट वॉज एरावत। क्वेश्चन नंबर फोर, व्हाट डिड द एलिफेंट डू इन द गार्डन। आंसर, एलिफेंट वॉज रोमिंग इन द गार्डन
एंड ईटिंग वेरियस फ्रूट्स एंड रूट्स। क्वेश्चन नंबर 5, वेयर डिड जगतू स्पेंड द होल डे? आंसर, जगतू स्पेंड द होल डे इन द हेवन। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट डिड जगतू ब्रिंग फ्रॉम हेवन? आंसर इसी से बनाएंगे, जगतू लिखेंगे, जगतू से स्टार्ट करेंगे और ब्रिंग का सेकंड फॉर्म लिखेंगे ब्रॉट। जगतू ब्रॉट सम बेटल लीव्स एंड बेटल नट्स फ्रॉम हेवन। फ्रॉम हेवन क्वेश्चन से देख के लिखेंगे, सो आंसर जगतू ब्रॉट सम बेटल लीव्स एंड सम बेटल नट्स फ्रॉम हेवन। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट डिड जगतू'स वाइफ आस्क हिम? आंसर, जगतू'स वाइफ आस्क्ड हिम वेयर डिड यू गॉट दिस बिग बेटल लीव्स एंड बेटल नट्स। क्वेश्चन नंबर 8, What did the villagers do? Answer, the villagers also wanted to go in the heaven with Jagtoo and his wife. All the villagers held one another in turn. क्वेश्चन नंबर 9, व्हाई डिड दे टंबल डाउन? आंसर, एस जगतू स्प्रेड हिज आर्म्स टू शो द साइज ऑफ द नट ही लॉस्ट हिज ग्रिप ऑन द एलिफेंट्स टेल सो दे टंबल डाउन। Next, match the words in A with their opposite in B. First, ascend. Answer, descend. Innermouse. Opposite will be small. Picking, dropping. Depart, arrive. Employed, unemployed. ये इसके मैच इट के आंसर्स हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है और हमारे पढ़ाने का तरीका पसंद आया है, या आपको कोई और सब्जेक्ट में या किसी लेसन पे वीडियो चाहिए, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई है और हेल्पफुल है आपके लिए, तो हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ में, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।